जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखाई रहा मुंह मीठा करी यूके देने जा रहे 55,000 सीजनल फॉर्म वर्कर वीजा उन बच्चों को 2024 में जो बच्चे अमेरिका जाना चाहते हैं, बिकॉज यूके देगा आपको फ्री वर्क वीजा जहां पर आपको ना इन्वेस्टर्स देना है ना कि क्वालिफिकेशन चाहिए, और इवन कि एक्सपीरियंस आपके पास घर का है तब भी आप चलोगे एज ए फ्रेशर। और इसी से उन्होंने और भी न्यूज की, पहले 45,000 सीजनल वर्कर वीजा 2024 में, अब उन्होंने कहा कि नंबर कुड भी इंक्रीज बाय 10,000, मतलब कि 55,000 लोग अब यूके जा सकते हैं ऑन सीजनल वर्कर वीजा पर। और जिसको हम डिस्कस करें वन बाय वन, व्हाट इज सीजनल वर्कर वीजा, व्हाट इज एलिजिबिलिटी, व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स, व्हाट इज अ वीजा कॉस्ट, इज योर डिपेंड्स अलाउड एंड हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीजा, आपको जॉब डेमो दिया जाएगा किस तरह आप ये जॉब ढूंढ सकते हो, और सिर्फ मात्र 6 ही कंपनी है यूके में जो आपको ये जॉब देगी बड़ी ईजिली और आपके सपनों को पूरा करेगी। कौन सी 6 कंपनी है? 6 कंपनी तो एक मिनट में आप ईमेल करोगे आपको मिल जाएगा, पर इसकी अगर कोई हेल्प चाहिए आपको मेरा नया व्हाट्सअप दिख रहा है, आप बड़े वृक्षों में इस नंबर पर आइए, मैं आपकी फ्री हेल्प करूंगा आपको सीक्रेट बनवाकर आपको जॉब दिलाने के लिए, बिकॉज मेरे पास यूके का रिज्यूम का सॉफ्टवेयर है। वेलकम टू माय चैनल वंस के, मेरा नाम है गैरी, आपको स्क्रीन पर इन बच्चों का लग गया यूके का लॉटरी वीजा यूथ मिल्टी। अब मार्च 2024 में यूके ने लॉन्च किया 55,000 नए वर्क वीजा जहां पर आप बगैर इंग्लिश के जा सकते हैं, और कौन से कंपनी स्पॉन्सर करेंगे डिस्कस वन वेब पर। वीडियो को जो आप लाइक करेगा वो चलेगा मेरे साथ यूरोप में, इसका रहना खाना पीना फ्री है, बिकॉज मेरे पास 4 प्लेन की फ्री एयर टिकट है जो वेस्ट हो रही है, जो आपकी वेट करते हैं, एक कमेंट कर अपनी फ्री एंट्री जो डालेगा। सीजन वर्क का वीजा होता है जो 6 मंथ के लिए होता है, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसको हॉर्टिकल्चर वीजा जिसमें को पिकिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और फ्लावर्स करने होते हैं, और ये पॉलिटी वर्क का वीजा था जो 2 अक्टूबर 31 दिसंबर को था, पर इसका कोटा सिर्फ 2,000 सीट्स का होता है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके स्पॉन्सर चाहिए है ना, और आपको एलिजिबल रिक्वायरमेंट भी दिखाते हैं क्या एलिजिबल रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपको स्पॉन्सर चाहिए और आपके 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और आपके अकाउंट में 1270 पाउंड होने चाहिए 28 दिन के, जो कि रफली 1,00,000 के बराबर है। अगर वो नहीं भी है, अगर आपका स्पॉन्सर जैसे मैं आपको दिखाऊंगा 6 कौन स्पॉन्सर है, बोल दे कि मैं मिस्टर गैरी की लुक आफ्टर करूंगा वहाँ पर पहले महीने, तो आप अकाउंट में कुछ भी नहीं दिखाना है। स्पॉन्सर कैसे ढूंढना वो दिखाऊंगा, पर मनी के लिए आपको 1270 पाउंड दिखाई जा रहे हैं। तो गाइस, इसकी जो वीजा फीस है वो आपका एम्प्लॉयर पे करता है, अगर आपको पे करना पड़ जाए तो इसकी वीजा फीस 2,98,26,000 रुपया है, जहाँ पर 6 मंथ आप यूके में रह सकते हो, और इसके अलावा गाइस आपकी बीवी आपके साथ नहीं जा सकती, और इसका जो वीजा है वो विद इन 1 वीक से 3 वीक में लगकर आ जाता है, और जिसमें आप काम कर सकते हो जो आप जो आपको स्पॉन्सरशिप जिसने दिया है, कुछ कोर्स आप स्टडी भी कर सकते हो। तो गाइस ये तो हो गया कि एलिजिबिलिटी के, एंड डॉक्यूमेंट्स में अगर बात की जाए, डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट लगेगा, आपका फोटोग्राफ लगेगा, आपकी वीज़ा फीस लगेगी, आप उस स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट दिया ऐसा कॉन्टैक्ट लगेगा जहाँ पर आपका नाम डेट ऑफ बर्थ और उसका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नंबर होगा वो लगेगा, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाना है। अगर बैंक बैलेंस दिखाना है तो आपको 6 मंथ दिखाना पड़ा बैंक बैलेंस जिस पे आप 1270 पाउंड आपने मेंटेन किए हुए हैं, और ये आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे और विद इन 3 डेज आपका जो वीज़ा लग कर आ जाएगा। इसके लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना है, अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हो यूके में यूटिलिटी वीज़ा के लिए, तो आपको दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे यू मस्ट अप्लाई ऑनलाइन दिस वीज़ा, क्लिक करोगे आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी विच वेयर आर यू प्लान टू लिव, आप इंग्लैंड लगाओगे कंटिन्यू, आप इस तरह अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, करंट ईयू और स्विस पासपोर्ट आप लिखोगे नो, गाइस ऐसे आपने फॉर्म फिल करना है, और कोई भी हेल्प चाहिए आई एम ओनली वन कॉल ऑन माय व्हाट्सअप। अब अगली बात करते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जो लाइसेंस इनके पास है। ये होम ऑफिस की वेबसाइट जो बाइबल की था, गाइस वीडियो कहीं भी दिल को छू रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई आदमी अपना पैसा विदेशों में जाता है और खुद एजेंट नहीं बना है, आपको हर टिप वो देता है जो उसने 19 साल धक्या यूके में सीखा है, तो लाइक जरूर कीजिए। जैसे आप इस लिस्ट पर क्लिक करोगे आप एक्सोशीट खुल जाएगी, और इसमें आपने जो रूट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, रूट दिखाया जा रहा है, रूट पर क्लिक करोगे और आप इसको ऐसे फिल्टर करोगे और टाइप करोगे सीजनल और SEAS, और आपके सामने ये खुल जाएंगे कंपनी के नाम, जो कि रफली नाम कितने हैं 6 नाम है, उसमें सबसे ऊपर कौन सी आ रही, एग्री HR लिमिटेड, कॉन्कार्डियट, एथ्रो लिमिटेड, फ्रूटफुल, होप्स लेबर, प्रो फोर्स, REVP लिमिटेड, आप यही कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। अगर आपको देख रहा है किस कंपनी कितना स्पॉन्सरशिप दिया था, उसके लिए एक और वेबसाइट है गाइस, आपको दिखा रहा है companyjobs.co.uk, आप यहाँ पर क्लिक करोगे ऐसे, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। आपको उसके आपने क्या करना, फाइंड फॉर क्लिक किया, कैटेगरी में क्या आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, सर्च लिस्टिंग में क्लिक किया आपने, आपके सामने ऐसे लिस्ट शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी। प्रो फोर्स ने दिया था रफली 9300 लोग को वीजा, और कॉन्कार्डियट ने 7,770 को, फ्रूटफुल ने दिया था 5,723 को, होप्स लेबर ने दिया था 5,620 को, एग्री HR 3,960 को, एथ्रो लिमिटेड ने दिया था 556 को दिया था,
एथ्रोन लिमिटेड, ऐसे बहुत सारी कंपनीज इनके नाम आएंगे, आपने एक एक करके करना है। अब आपको देखा जॉब डेमो पर, अगर आपको मेरे से बात करनी है, आई एम ओनली वन कॉल विन गैरी के फैन, जहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ आईफोन। अगर आप इस आईडी को फॉलो नहीं किए सब कर लीजिए अगर आपको आईफोन चाहिए। बट अगर कोई बात करने का मन कर रहा है, मेरे पास 1000 रुपये है और इवन कि यूएसए की लॉटरी वर्क जाने के 85,000, वो कैसे अप्लाई करने, उसके लिए आपको मेरा सेकंड स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाया जाए, वहाँ पर आइए, वो बताएगा सिर्फ 500 रुपये में आप रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं यूएसए लॉटरी में, अगर आपको यूके में काम नहीं बनता है। फिर स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको डेमो जो आप कैसे ढूंढ सकते हैं। तो पहली एजेंसी का नाम था हॉप्स लेबर सॉल्यूशन लिमिटेड, यहाँ पर सीजनल वर्कर को 2023 कर रहे हैं। देखो आप देख सकते 2023 के लिए खुल चुका है। सोच क्या रहे हैं, अप्लाई कीजिए और इसके लिए आपको इनके साथ टच के लिए hello@hopes.com पर जा सकते हैं। अगर आपको कोई नॉलेज लेनी है आप SWC स्कीम पर क्लिक भी कर सकते हैं। और ये इसलिए बताया गया है आपको यहाँ पर क्या करना है, वेज को पिक करना है, पैक करना है, सॉफ्ट फ्रूट्स को इंडोर करना है, मशरूम को पिक करना है और फ्लावर काटना है करना है। और इसके 2023 में यहाँ पर प्लेस इंक्रीज़ कर दिए 40,000 जो कि लास्ट इंडस्ट्री में, तो 2023 में और भी इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। तो गाइज आपने अगर अप्लाई करना है आप इन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको नाम, कंपनी, ईमेल, फ़ोन नंबर और ये और कौन सी सेक्टर में और कौन सी कंट्री से हो आप रजिस्टर कर अपना CV इनको भेज सकते हो। पहली कंपनी का नाम है हॉप सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अगली है प्रीफोर्स, जो सेकंड एजेंसी है सीजन वर्कर के लिए। यहाँ पर भी आप बात कर सकते हैं, ये लोग भी सीजन वर्कर के लिए हेल्प करते हैं, वीज़ा के लिए भी ये कमोडिशन भी देते हैं, आपको फ्लाइट के लिए हेल्प भी करेंगे और आपको करेंगे हेल्प अगर आपको सीजन वर्कर वीज़ा चाहिए। तो इसके लिए कैंडिडेट्स को क्या करना है, वीज़ा में क्लिक करनी है और आपको यहाँ पर भी इनके कॉन्टैक्ट पर जाकर इनसे बात करनी है और ये आपकी स्किल वर्कर वीज़ा में हेल्प कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन है आप इनके ईमेल एड्रेस पर जा सकते हैं inquiries@preforce.co.uk पर, यहाँ पर सीजन वर्कर के लिए अपने CV भेज सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल है वो है RER रिक्रूटमेंट, आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर वर्क सीजन रिक्रूटमेंट। यस, UK गवर्नमेंट चूजिंग आर रिक्रूटमेंट टू कैरियर रिक्रूटमेंट फॉर द वॉलंटरी सीजन वर्कर वीज़ा। तो आप इसके लिए इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डू आई नीड एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, को देखो एक्सपीरियंस में फ्रेशर भी आ सकता है। तो कोई लड़का लड़की जिस मास्टर कराया हुआ है, गरीब घर का लड़का एक बार यूके आना चाहता है, फर्स्ट फ्रेशर है, उसके लिए गोल्ड अपॉर्चुनिटीज है, वो इनको कॉन्टैक्ट कर सकता है और इवन की वो इनको ईमेल भी कर सकता है। और तो गाइस ईमेल एड्रेस क्या है, hello@rerecruitment.com, तो आप ईमेल वहां पर कर सकते हैं। जैसे देखा हमने जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, तो इसको सोच क्या रहे, बिंदास इन सारे 5-6 कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, दिन रात जॉब अप्लाई कीजिए, एक बार कीजिए, दो बार कीजिए, कोई भी कंपनी जॉब अप्लाई करना ये आपका मानवीय अधिकार है। बट ऑन द मेन टेंस अगर कोई बन में डाउट है, आई एम ओनली वन कॉल है और मेरी मात्र कौन सा 1000 रुपये और व्हाट्सअप दिख रहा है, यहाँ पर आकर हम उसे बात कर सकते हैं। ऑन द मेन टेंस हम जहाँ रहें सदा खुश रहें।